स्मार्टकट प्रो के कंटेंट डाउनलोड करने के लिए आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता लगती है, यानी जैसे मेरा मोबाइल का डेटा 2 GB का है और मेरे प्रोजेक्ट की साइज़ ज़्यादा है, तो उस टाइम में क्या होता है कि आपका अगर GB डेटा ख़त्म हो जाता है तो डाउनलोड आपका एंड हो जाता है और फिर से आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, जो कि मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे उसको डाउनलोड करें और कैसे हम कंटेंट को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। सो लेट्स सी कैसे करेंगे। सबसे पहला आपको गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है फ्री डाउनलोडर मैनेजर। फ्री डाउनलोडर मैनेजर में जाना है आपको। इंटरनेट से आपको सबसे ऊपर में दिखेगा फ्री डाउनलोड मैनेजर, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ से विंडोज़ वर्ज़न के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करनी है। जैसा कि आप देख रहे हो कि आपको डाउनलोड लिंक पे क्लिक करते ही आपको नीचे डाउनलोड की प्रोसेस चालू हो जाती है और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चालू हो जा रहा है, यानी आपके PC के ऊपर डाउनलोड होना शुरू होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि डाउनलोड अगर देखना है आपको तो आपको इसको शो ऑल भी कर सकते हो, और यहाँ पे देख रहे हो आपकी यहाँ पे यानी सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रही है, तो इसको हम डाउनलोड होने देते हैं। आफ्टर डाउनलोडिंग आप देखोगे यहाँ पे शो इन फोल्डर ऑप्शंस आता है, आपको शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है और आपको इस exe को रन करनी है। आपको इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है। इसमें आपको इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र रिकमेंडेड क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और यस प्रेस करना है, नेक्स्ट और नेक्स्ट दबाना है और इंस्टॉल करनी है आपके PC के अंदर। इंस्टॉलेशन के बाद आपके PC के अंदर यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज आता है, आपको इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपको यहाँ पे फिनिश प्रेस करनी है। देन आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को ओपन करना है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यानी आपने जब प्रोडक्ट परचेस किया था उस टाइम में आपने जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड किया होगा उस ईमेल आईडी को आप ओपन करेंगे। ईमेल आईडी ओपन करने के बाद आपको ऐसा लिंक दिखेगा जो कि डाउनलोड fxprojects.in से आया होगा। आपको यहाँ पे आपके गाने का डाउनलोड लिंक्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल है, यानी आपकी डेटा साइज़ के अनुसार आप इसको इंडिपेंडेंट एक एक करके भी डाउनलोड कर सकते हो। सपोज़ करो मेरा डेटा यानी मेरे मोबाइल का डेटा 1.24 GB है और मेरे को लगता है कि मुझे एक सिंगल गाने डाउनलोड करने हैं, तो मैं इनके एक सिंगल सिंगल लिंक को भी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो डाउनलोड लिंक का आपको लिंक अवेलेबल है, तो सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा कंसार के गाने हैं, कंसार सेरेमनी है और इसकी गाने की साइज़ है 1.24 GB और मेरी डेटा साइज़ मोबाइल की डेटा साइज़ की अवेलेबिलिटी इतनी ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना कंसार लिंक को सेलेक्ट किया, इनको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द हाइपर लिंक क्लिक करेंगे एंड इसको हम कॉपी करने हैं। कॉपी करने के बाद आपको इंटरनेट डाउनलोडर मैनेजर ओपन करना है और यहाँ पे ऐड बटन पर प्रेस करना है। ऐड बटन प्रेस करते ही आपका ऑटोमेटिकली कॉपी किया हुआ लिंक्स आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद आपको यहाँ पे ओके प्रेस करना है और यहाँ पे आपको ये डाउनलोड का पाथ पूछता है, यानी आपको कौन से हार्ड ड्राइव के ऊपर आपके बैकअप को डाउनलोड करके सेव करनी है। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड के लिए मैंने अपना हार्ड ड्राइव का फोल्डर सेलेक्ट किया, जिस भी हार्ड ड्राइव के अंदर आपका स्पेस होगा, तो मैंने अपना डाउनलोड फोल्डर सेलेक्ट किया एंड जस्ट ओपन दबाया एंड डाउनलोड बटन पर प्रेस करेंगे। डाउनलोड बटन प्रेस करते ही यहाँ पे मेरा डाउनलोड प्रोसेस चालू हो जाता है, यानी मेरे डेटा साइज़ की अवेलेबिलिटी के अनुसार मैं एक एक गाने का यानी सिंगल सिंगल गाने का भी लिंक्स हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज करो मुझे कोई दूसरा गाने भी डाउनलोड में लगाने हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट हाइपर लिंक क्लिक किया, इसको मैंने कॉपी किया, वापस मैं इंटरनेट डाउनलोडर मैनेजर में आता हूँ, मेरी एक डाउनलोड प्रोसेस रनिंग है और मुझे दूसरे को भी डाउनलोड प्रोसेस के लिए डालना है। मैंने ऐड बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरा कॉपी किया हुआ लिंक ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। देन मुझे फिर से वापस ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद देखोगे आपका जो डिफ़ॉल्ट पाथ आपने जो सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट होके आ जाएगा और आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन प्रेस कर देनी है। अभी यहाँ पे मेरा जो डाउनलोड प्रोसेस है ये चालू हो गया, यानी हमारा डाउनलोड प्रोसेस चालू हो गया। अभी एक डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा दूसरा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से डाउनलोड के प्रोसेस को हम लोग फिनिश होने देते हैं, इसका हम वेट करते हैं। ये हमारा डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट हो गया। डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप देखते होगे यहाँ पे हमारा फर्स्ट डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गया और सेकंड डाउनलोड के ऊपर ऑटोमेटिकली ये हमारा डाउनलोड प्रोसेस चालू हो गया। अब हम जानते हैं कि अब हमारे जो डाउनलोड किए हुए प्रोसेस को, यानी हमने जो डाउनलोड किया हमारा प्रोजेक्ट, उसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे और हमारे लाइब्रेरी के अंदर कैसे लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे अभी हमारा कोई भी, हमने गुजराती गाना डाउनलोड किया, हमारा कोई भी गुजराती कैटेगरी इंस्टॉल नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद मुझे अपने डेस्टिनेशन ड्राइव यानी जो मेरा हार्ड ड्राइव है उसके अंदर जाना है मुझे, और जहाँ पे मैंने डाउनलोड किया था मैंने डाउनलोड ओपन करेंगे। डाउनलोड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आपको एक जिप फाइल मिलती है, जिप फाइल के अंदर आपको इसको राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर करना है, आपको एक्सट्रैक्ट टू गुजराती कंसार सिनेमरी, आपने इसको क्लिक किया, ये हमारा प्रोजेक्ट एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ये हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट एक्सट्रैक्ट हो चुका है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको, यानी आपने जो प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है उस नाम से आपको यहाँ पे फोल्डर ओपन होकर के आता है, और आपको इस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करना है, यानी हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड हो चुका है और हमारा ये कंटेंट डाउनलोड हो चुका है। अभी मुझे गुजराती कंसार सेरेमनी का सेटअप रन करना है, उसके लिए मैंने क्या किया, ओपन किया, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक किया और यस क्लिक करेंगे। यस क्लिक करते ही मुझे इंस्टॉल बटन आएगा, इंस्टॉल बटन पर प्रेस करेंगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे फिनिश का बटन आता है, आपको फिनिश बटन पे सिंपली प्रेस करना है और आपको क्लोज़ कर देना है यहाँ पे एक्सप्लोरर बटन को, और देन वापस आप जब स्मार्ट कट प्रो ओपन करोगे, यानी हमारा स्मार्ट कट प्रो सॉफ्टवेयर वापस 8.1 वर्जन हमारा जो ओपन हो रहा है, ओपन होने देते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखोगे आपकी गुजराती सेरेमनी प्रोजेक्ट्स, यानी हमने जो सिंगल गाने डाउनलोड किए हमारे सिंगल गाने इंस्टॉल्ड होकर के रेडी हो गए, और इसको मुझे यूज़ करना है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। जस्ट मैं बटन प्रेस किया और यहाँ पे मेरा डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यह हमारे प्रोजेक्ट्स रेडी टू यूज़ है।